अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर सिद्धा। आज हमारी फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हम न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं फ़ोटोशॉप में, हमने सारी सेटिंग डिटेल में देखी थी। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। तो आज हम मार्की टूल सीखेंगे। मार्की टूल में हमारे पास 4 टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसे सीखने से पहले आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है, हम फोटोशॉप में लेयर्स पे काम करते हैं। इट्स मीन लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई भी, मेरा ये बैकग्राउंड है कैनवस, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डिजाइन या कुछ भी क्रिएट कर रही हूँ तो वो मेरा बैकग्राउंड पे क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई लेयर नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ब्रश से कुछ क्रिएट किया, तो ये क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड पे यहाँ पे देखें, आपको बैकग्राउंड पे लेयर्स में नजर आ रहा है कि ये हमारा बैकग्राउंड पे वर्क हुआ है, ठीक है। अब मैं मूव टूल लेके इसे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मूव नहीं हो रहा। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, हमें बैकग्राउंड पे काम करने से पहले हमें उसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमने कुछ भी डिजाइन करना है उसके लिए हम सबसे पहले न्यू लेयर लेंगे ताकि हमारा मूव हो जाए। मैं इसे अंडू कर रही हूँ कंट्रोल जी से। न्यू लेयर लेने के लिए यहाँ पे नीचे एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, न्यू लेयर यहाँ पे आ गई है। इस पर अब मैं ब्रश टूल से दोबारा वही काम कर रही हूँ और अब मूव टूल लेके उसे मूव कर रही हूँ, तो वो इजीली मूव हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे अंडू भी कर सकती हूँ, बैक स्पेस से भी हमारी लेयर डिलीट हो जाएगी और डिलीट के बटन से भी डिलीट हो जाएगी। फोटोशॉप में हम बैक स्पेस और डिलीट दोनों ही कीज यूज कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। अब इस बात की समझ आ गई है कि हमने कुछ भी क्रिएट करना है उसके लिए हमें न्यू लेयर लेनी होगी, क्योंकि अगर हमारा कोई डिजाइन खराब हो जाता है, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं या फिर उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसे मूव कर सके, ठीक है, उसमें चेंजेस कर सके, उसके लिए हमें न्यू लेयर लेना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले न्यू लेयर लेते हैं। हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल मार्की टूल पिक्सल में आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब हमारा जो कैनवस है, पहले हम पूरे बैकग्राउंड पे, पूरे कैनवस पे कुछ भी क्रिएट या डिज़ाइन कर सकते थे, ठीक है। लाइक जैसे हमने पहले किया है, तो हम पूरे कैनवस पे कलर्स भी कर सकते थे और डिज़ाइन भी कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि हमारा इस वक्त पूरा कैनवस एक्टिव नहीं है, इस वक्त हमारा इतना एरिया एक्टिव है जितना मैंने रेक्टेंगल लिया है। इट्स मीन अब अगर मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ तो ये इसके अंदर अंदर यूज़ होगा, ठीक है, ये हमारा एक्टिव एरिया है, हम बाहर जितना मर्जी यूज़ कर ले, ये बाहर यूज़ नहीं होगा। अब मैं इस लेयर को डिलीट कर रही हूँ और दोबारा से यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल ले रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं फोरग्राउंड कलर कर रही हूँ। फोरग्राउंड कलर करने के लिए हमने क्या प्रेस करना था, Alt Backspace, हमारा फोरग्राउंड कलर हो गया। यहाँ पे हमने जितनी सिलेक्शन ली है, इस मीन हमारी सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमारा इतना ही एरिया एक्टिव है, हम इसके अंदर अंदर काम कर सकते हैं, उससे बाहर हम काम नहीं कर सकते। मैं इसे अंडू कर रही हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे काम ना हो, इसके आउटसाइड काम हो, ठीक है। राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगी। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे भी पिक्सल्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमारा इन दोनों के दरमियान जो एरिया है ना, वो हमारा एक्टिव एरिया है। अब मैं फिर दोबारा कलर करके देखती हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस, देखें जो मैंने इन्वर्स करके एक्टिव एरिया किया था उसमें हमारा कलर हो गया है। मैं अंडू करके अब यहाँ पे ब्रश भी करके दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे फुल ब्रश कर रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक्टिव एरिया में ब्रश हो रहा है, ठीक है, वो सेंटर पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसे डीसेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे डीसेलेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से डीसेलेक्ट कर दूँगी। तो मेरी जितनी भी सिलेक्शन आ रही थी वो सारी क्या हो गई है, डीसेलेक्ट, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, ठीक है, हम कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। अब मैं ये लेयर रिमूव कर रही हूँ और अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पे एक हमारा आ रहा है, ठीक है, बॉक्स जो हमने अभी देखा है कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारी सिलेक्शन ले रहा है। अगर मैं एक और क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो वो न्यू सिलेक्शन बना रहा है, ठीक है, वो पिछली रिमूव कर रहा है और न्यू सिलेक्शन हमारी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी जो सिलेक्शन है वो ऐड हो,
लाइक इसके अंदर ही मैं ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसे ऐड नहीं होगी। जैसे मैं न्यू सिलेक्शन लूँगी वो क्या करेगा, जो पुरानी सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऐड अ सिलेक्शन। अब मैं सिलेक्शन लूँगी तो वो क्या करेगा, सिलेक्शन को ऐड करता जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं करूँगी ऐड, वो सारी सिलेक्शन ऐड होती जाएंगी, ठीक है। और उसके साथ जो है वो हमारा सब्ट्रैक्ट के लिए है। लाइक अगर मैं इस सिलेक्शन के अंदर जितना भी एरिया लूँगी वो मेरा डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि हमने जितनी भी हमारी सिलेक्शन है ना, उसके अंदर से हम जितना भी पार्ट चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, हमने वो सिलेक्ट करना है। लाइक मैं चाह रही हूँ मेरा इतना पार्ट जस्ट रहे, ठीक है, इस पूरी सिलेक्शन में, तो मैं इतना सिलेक्ट करके क्लिक कर दूंगी तो मेरा बाकी सारा जो एरिया है वो मेरा डिलीट हो गया और मेरा बस ये सिलेक्शन इतनी सी रह गई है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई। अच्छा, इसकी शॉर्ट कीज भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक सिलेक्शन ली है और जब हमने उसमें ऐड करना है ना, ऐड सिलेक्शन के लिए हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। और देखिए जैसे मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ ना, मैं नज़दीक करके आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैं शिफ्ट, अभी मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया, तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी तो देखिए सिलेक्शन वाला कर्सर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे चेंज आ जाता है। और जैसे ही देखें यहाँ पे अभी सिंगल सिलेक्शन है, बट जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया कर्सर, ओके। तो अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रैग कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ तो अब देखें मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब मैं फिर इसे शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ओके। और अब हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हमने आर प्रेस करना है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आर प्रेस कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट में चला जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट, ओके। तो इंटरसेक्ट के लिए हम दोनों की यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस आर, ठीक है, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे लाइक दैट, ठीक है, शिफ्ट और प्रेस किया है तो ये इंटरसेक्ट कर गया, ओके। अब मैं इसे डीसेलेक्ट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, फेदर। हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे हमारा फेदर क्या है, ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 40 फेदर देती हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ एरिया, तो यहाँ पे गौर से देखें इसके जो कॉर्नर है ना वो क्या हो गया, राउंड शेप में, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सिलेक्शन राउंडेड में हो गई है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा बॉर्डर है ना सिलेक्शन का, वो क्या होगा, सॉफ्ट टच में आ गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने इसमें कलर नहीं किया, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या बॉर्डर कैसा है, ठीक है। अब हम इसमें कलर करके देखते हैं तो हमें फिर पता चलेगा ये कैसे शो हो रहा है। तो हमने एक मिस्टेक की है, यस, अभी हमने न्यू लेयर नहीं ली, तो मैं यहाँ पे अभी कलर नहीं करूँगी, न्यू लेयर लेके कलर करूँगी। तो मैं यहाँ से न्यू लेयर ले रही हूँ, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ और अब मैं इसमें क्या करूँगी, कलर आर्ट बैकस्पेस, ठीक है। अब आप गौर से देखें, इसे मैं डी सिलेक्ट कर रही हूँ तो हमारा जो बॉर्डर है वो क्या आ रहा है, सॉफ्ट में, ठीक है, वो कलर को मर्ज करके हमारा कलर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जूम आउट और जूम इन कर रही हूँ, वो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट कीज बता देती हूँ। जूम आउट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा, और जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर हम आर्ट स्क्रोल व्हील अप करेंगे तो जूम इन होगा, अगर आर्ट स्क्रोल व्हील डाउन करेंगे तो हमारा जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि हमारे फेदर का क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं लाइक यहाँ पे इससे भी ज़्यादा फेदर दूंगी, लाइक 70 दे रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ, ब्लू कलर कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सिलेक्शन कर रही हूँ और अब इसमें मैं कलर कर रही हूँ तो ये देखें, ठीक है, कितना कलर स्मूथ हो गया है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ से भी राइट क्लिक करके यहाँ पे फेदर दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जितना भी हमने फेदर देना हम दे सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारा फेदर क्या है 70, मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ।
अच्छा यहाँ पे अगर हम पहले फैदर दे देते हैं ना, मैं ये लेयर डिलीट करके बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर हमारा फैदर यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, कि अगर हम फैदर सिलेक्शन से पहले दे रहे हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया और मैं पहले दे रही हूँ, तो जो भी मैं न्यू सिलेक्शन करूँगी ना, तो वो परमानेंट उतना ही फैदर रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने 60 दी हुई थी, तो यहाँ पे मैं कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ तो वो उतना ही फैदर देगा, ठीक है। अगर अब मैं दोबारा भी कुछ ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो वो क्या देगा, उतना ही फैदर देगा। अगर मैं यहाँ पे फैदर क्या कर रही हूँ, ज़ीरो, और फिर सिलेक्शन कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फैदर अप्लाई कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं अलग अलग जितनी भी मैं लेयर्स बनाती जाऊँगी और जितनी भी मैं सिलेक्शन लूँगी, उसमें मैं सेपरेट फैदर अप्लाई कर सकती हूँ, परमानेंट वो मेरा नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लाइक 20 रख लेती हूँ, ठीक है, तो ओके कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ, तो अब ये देखें हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है, 20। इतना हमने ये था कि अगर मैं दोबारा सिलेक्शन ले रही हूँ तो वो फैदर अप्लाई होगा कि नहीं। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे कोई सिलेक्शन ले रही हूँ, तो देखिए मेरा फैदर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ज़्यादा कुछ सिलेक्शन लेनी है, तो इट्स मीन हम पहले ना करें, बाद में हम फैदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्टाइल। स्टाइल में हमारे पास क्या है, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड साइज। नॉर्मल का मतलब है लाइक हम कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एंगल से, लाइक अगर हम विड्थ और हाइट जितनी भी रख रहे हैं, ठीक है, वो उतनी ही सिलेक्शन आ जाएगी उसकी, ठीक है, अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं नज़दीक करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे वो डिटेल भी बता रहा है हमारी हाइट और विड्थ इंचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम अपनी मर्जी से हाइट और विड्थ रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फिक्स रेशो है हमारी, ठीक है, इसका मतलब है जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मुझे हाइट और विड्थ दे रहा है, ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे दे रही हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट 1:1 दी हुई है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये 1:1 ही रहेगी, लाइक स्क्वेयर में आएगी, लेकिन हम मैं उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है। तो तीसरा है हमारे पास फिक्स साइज हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 64 दिया है, इट्स मीन हम इसे चेंज नहीं कर सकते, बस फिक्स इसका एक साइज़ रहेगा 64, मतलब 64 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही साइज़ आएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट एंड मास्क। इंशाल्लाह ये टेम में समझाने वाला है, तो इसकी एक सेपरेट क्लास होगी, ठीक है। रेक्टेंगल मार्की हो गया। नेक्स्ट है हमारा एलिप्स मार्की टूल। सो उसमें भी ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमारा एलिप्स में है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से ही इसके चेंज कर सकते हैं हाइट और विड्थ, ठीक है। सेम है इसमें भी, हम ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है, हमने जैसे भी करना है, ओके। अच्छा इसमें एक न्यू चीज़ आई है कि एलियाज आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चेक है, ठीक है। हम देखते हैं कि इससे हम कलर कैसे कर, मैं आपको कलर करके दिखा देती हूँ। लाइक मैं एक सर्कल ले रही हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है, इसे डीसेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये बहुत स्मूथली इसके आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं जूम इन करके देखूं, तो ये देखें, तब बहुत करीब जाके मुझे ये पिक्सल्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत सॉफ्ट लाइट से, लाइक ये मर्जिंग कलर में आ रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से आ रहा है, इस चेक की वजह से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं चेक कर देती हूँ इसे, ठीक है, और अब मैं सेम इसमें वही कलर ले रही हूँ, बल्कि मैं इसे न्यू लेयर पे लेती हूँ, अंडू कर रही हूँ और न्यू लेयर ले रही हूँ, और अब इस पे अनचेक करूंगी, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी, ठीक है। अब आप देखें, चले मैं इसे भी उतना ही बड़ा कर देती हूँ। अब आप गौर से देखें, इन दोनों में आपको वाजिया फर्क नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके आप कॉर्नर्स की स्मूथनेस देखें, और इसके अब मैं इसे भी नज़दीक करके दिखा रही हूँ, तो ये देखें ये कैसे आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इसे नज़दीक करके दिखा रही हूँ, वाजिया फ़र्क इसमें देख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में ये हमारा स्मूथली आती है, लेकिन जब हम सर्कल में करते हैं तो सर्कल में कट आ जाते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमने कोई सर्कल की सिलेक्शन लेनी है, ड्रॉ करना, उसके लिए हम ये चेक रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, सिंगल रो मार्की टूल। मैं यहाँ से न्यू लेयर ले रही हूँ और यहाँ पे मैं ला के क्लिक कर रही हूँ। तो अब इसमें कलर करके दिखाती हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस। तो यहाँ पे देखें मेरी सिलेक्शन में कलर हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रही हूँ और ऑल्ट बैकस्पेस कर रही हूँ, लाइक कोई भी कलर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लू किया हुआ है तो ब्लू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे सिंगल कॉलम मार्की टूल ले रही हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस कर रही हूँ, ठीक है, तो वो कलर आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट बैकस्पेस कर रही हूँ तो हमारी सिलेक्शन आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब आपको इसके यूज़ की समझ आ गई है। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि हम ये कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी, ये हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, ये हम कमर्शली यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो अगर आपने भी डाउनलोड करनी हुई तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगी, ठीक है। हमने सिलेक्शंस कैसे यूज़ करनी है और कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है, जितना मोबाइल का एरिया है ना इतनी हमने यहाँ से सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं और ड्रैग करके भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ पार्ट उस मोबाइल में लगाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगी, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे आऊँगी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर दूँगी, ठीक है। सिलेक्शन को मूव टूल लूँगी और यहाँ से इतनी ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। तो अब मैं एडजस्ट करूँगी इसको मोबाइल के हिसाब से, ठीक है, जितनी हमने यहाँ से ली थी, ठीक है। इसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। उसमें मैं ये चाह रही हूँ कि जो पिज़्ज़ा है ना वो यहाँ पे ले आऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी इसे, ठीक है, और इसे एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और यहाँ से सिलेक्ट करूँगी अपने हिसाब से, ठीक है, ऊपर से भी, ओके। अब इसे ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है, और इसे इस पिज़्ज़ा के हिसाब से एडजस्ट करूँगी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और ओके हो गया। अब मूव टूल लूँगी और यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगी, ओके, और यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है, ठीक हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट एक ये इमेज मैंने देखी थी और ये मुझे थोड़ी बोर सी लगी, तो मैंने कहा इसे क्यों ना आई कैची बनाया जाए। तो ये एक इमेज डाउनलोड की है, ठीक है। इससे हमने क्या करना है कि सिलेक्ट ऑल, मतलब पूरी इमेज को मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल ए प्रेस करूँगी, ठीक है, सारी इमेज सिलेक्ट हो गई है और यहाँ से ड्रैग करके इसे यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। अब ये मेरी एक लेयर बन गई है, ठीक है। ऐसे इसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ और इधर अब मैं अपने बैकग्राउंड को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ लेयर में। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है, तो ये मेरी लेयर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं इस वाली लेयर को नीचे ले आऊँगी ड्रैग करके, ठीक है। अब वो इसके पीछे चली गई ऊपर वाली लेयर के और ये वाली ऊपर आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूँगी रेक्टेंगल सिलेक्शन, ठीक है, और यहाँ से मैं इतना एरिया क्या करूँगी, कट, ओके। ऐसे ही मैं यहाँ से सारे जितने भी यहाँ से हैं विंडोज़ की वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी, ओके। मैं जल्दी जल्दी ये रिमूव करके आपको दिखा देती हूँ। डन, अब कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ठीक है। इस तरह हम सिलेक्शन टूल से काफ़ी क्रिएशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया इन्हें हम कैसे कैसे डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, पैदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फोटो पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी इमेज में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, पैदर अप्लाई करके कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यू लेयर लूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एलिप्स मार्की टूल लूँगी और यहाँ पे इतना जो है एरिया वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर रही हूँ और थोड़ा सा एरिया ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे करूँगी, ठीक है, लाइक दैट, अब ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और इसे सिलेक्ट इनवर्स कर दूँगी और मैं इसे फैदर दूँगी, फैदर, ठीक है, मैं इसको 50 फैदर दे के देखती हूँ।
तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल बैकस्पेस। तो ये फैदर हमारा बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज है, तो मैं इस पर फैदर ज़्यादा दूँगी, इसलिए मैं दोबारा इसको फैदर दे रही हूँ लाइक 200 और ओके कर रही हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल बैकस्पेस कर रही हूँ और अब देखें आप, ठीक है, ये एक फ्रेम बन गया। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप से फैदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से आज की क्लास में एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमने वर्क कहाँ पे सबमिट करवाना है, फेसबुक ग्रुप में आप वर्क शेयर कर सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप पे है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जो भी डेली का वर्क होगा, आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करके वो वर्क आपने ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।